इंडोसिंस वेलिंगटन में हिटमैन रोहित शर्मा लगाएंगे दोहरा शतक, ये है वजह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वन अड्डे सीरीज का पांचवा और अंतिम मैच 3 फरवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर रोहित शर्मा हैमिल्टन में मिली शर्मनाक हार को भूलना चाहेंगे, जबकि टीम इंडिया सीरीज में 4-1 की जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप से पहले विदेशी धरती पर अपना दम दिखाना चाहेगी। हैमिल्टन में टीम इंडिया को 212 गेंदें बाकी रहते हुए हार मिली थी, जो कि उसकी गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी हार है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, यह बतौर कप्तान उनका 9वां मैच था, लेकिन टीम की शर्मनाक हार ने उनको बैकफुट पर धकेल दिया है। अब तक उन्होंने 9 वनडे मैचों में कप्तानी करते हुए 7 में जीत हासिल की है और 2 बार उनकी टीम को पराजय मिली है। इससे भी मजेदार बात यह है कि पिछले मैच में जब उनकी टीम को हार मिली थी तो उन्होंने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक ठोककर शानदार वापसी की थी 10 दिसंबर 2017 को मिली मात, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ 10 दिसंबर 2017 को धर्मशाला में रोहित शर्मा की टीम 112 रन पर ढेर हो गई थी और उसे 7 विकेट से करारी हार मिली थी। इसके बाद 13 दिसंबर को मोहाली में जो हुआ वो इतिहास बन गया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी दी और रोहित शर्मा ने दोहरा शतक 208 नाबाद जड़कर उसकी हवा निकाल दी। यह उनका वनडे क्रिकेट में 3रा दोहरा शतक था और भारत को 141 रन से जीत मिली थी। क्या एक बार फिर चमकेंगे रोहित? इस बार रोहित शर्मा की टीम न्यूजीलैंड के सामने सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। यह भारत का वनडे क्रिकेट में 7वां सबसे कम स्कोर होने के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 2रा सबसे कम स्कोर है। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी रोहित दोहरे शतक के साथ वापसी करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो उनके नाम वनडे क्रिकेट में 4था दोहरा शतक दर्ज हो जाएगा। वैसे वेलिंगटन में भारतीय टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 1 में जीत तो 1 में हार मिली है, जबकि 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है।